लॉटे की टक्कर के बाद आखिर डेमोक्रेट जो बाइडन ने राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप को पटकनी दे दी। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि भारतीय मूल की कमला हैरिस बनेंगी उपराष्ट्रपति। जो बाइडन ने राष्ट्रपति बनते ही भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूरी दुनिया के सामने वादा किया है कि वे 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देंगे। बाइडन ने जिन 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों की बात की है, इसमें 5 लाख भारतीय भी हैं। जो बाइडन के चुनावी अभियान के दस्तावेज में कहा गया है कि बाइडन तुरंत संसद के साथ काम करना शुरू कर देंगे, ताकि आवर्जन सुधार संबंधी कानून पारित किया जा सके। दस्तावेज के मुताबिक वे अमेरिका में सालाना 1,25,000 शरणार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके अलावा वे सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को देश में प्रवेश दिलाने के लिए कांग्रेस के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम प्रतिबंध वाले नियम को भी हटाने की बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमा पर अराजक और मानवीय संकट पैदा करने वाली हानिकारक शरणार्थी नीतियों को बदलेंगे। रोजगार आधारित वीजा को ग्रीन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मदद से अमेरिका में प्रवासियों को कानूनी रूप से स्थायी नागरिकता मिलती है। फिलहाल हर साल 1,40,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है। बाइडन के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वे संसद के साथ मिलकर इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।